गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहली बात कि सर ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है, दिमाग में एक चीज पहला सवाल चलता है कि सर हम एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा बच्चों कि एग्रीकल्चरल इनकम हम किसे कहते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चरल। दूसरा सवाल कि ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया है सेक्शन 10(1) में। किस में एग्जेम्प्ट किया गया है, सेक्शन 10(1) में या क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सर एक बात बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि इनकम एग्जेम्प्ट है, सुनना बच्चों, इनकम एग्जेम्प्ट है, इस बात का क्या मतलब है बच्चों? इस बात का ये मतलब है कि ये इनकम कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब इसको आराम से समझिए, ये इनकम कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब ये ऐड नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब सर तो डिडक्शन और एग्जम्प्शन में कोई फर्क है? हां, डिडक्शन का मतलब हुआ बच्चों इनकम पहले ऐड होता है फिर माइनस होता है, लेकिन एग्जम्प्शन में इनकम ऐड ही नहीं होता। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब वो टोटल इनकम में कभी ऐड होगा ही नहीं। अब यहां दो सवाल, सर क्या ये एग्जम्प्शन सभी को दिए गए हैं? हाँ बच्चों, ये सभी पर्सन को दिया गया है। तो सर आप एक बात बताइए, क्या हम इंडिविजुअल का भी इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे? बिल्कुल। एचयूएफ का भी? हाँ। पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीवाई, सबका इनकम एग्जेम्प्ट होगा? हाँ बच्चों, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट है तो सबके लिए है, क्योंकि ये तो नहीं कहा गया कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है। है बहुत कॉमन सा सवाल, लेकिन कभी ना कभी डाउट में फंस जाइएगा। तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देखिए एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) में या क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 10, जैसे आप चाहें बोल सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट, मतलब ये किसका पार्ट नहीं बनेगा, टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अब देखिए ये हम आपको क्यों एक्सप्लेन किए, आपके बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, हाँ, दो एग्जेम्प्ट एग्रीगेटेड इन केस ऑफ सर्टेन एसएससी। अच्छा सर ये क्या मतलब है? कह रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम सबके लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ लोगों के लिए उसको एग्रीगेट करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब सर क्या ये पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। हम लोग आगे बात करेंगे, अभी रिलैक्स होकर समझिए। अब दूसरा सवाल जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें एग्रीकल्चर में आती हैं, कौन कौन सी चीजें एग्रीकल्चर में नहीं आती। अब हम लोग आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? चलो देखो, एग्रीकल्चर इनकम में दो सवाल आएगा। पहला, सर क्या ये एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर है? अच्छा सर इंडियन एग्रीकल्चरल का मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पर। हाँ, किस पर होगा? इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड पर, मतलब सर इंडिया के जमीन पर, हमारे कंट्री के जमीन पर वो खेती हो रही हो। इंडियन किसे कहेंगे जब वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसका होना चाहिए? इंडिया का, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन एग्रीकल्चरल। अच्छा सर अब एक बात बताइए, इंडिया में तो दोनों तरह का खेती हो सकता है, अर्बन भी रूरल भी। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर अर्बन लैंड क्या है, शहरी किसको कहेंगे, ग्रामीण किसको कहेंगे? हम लोग बात करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, और जो कभी पढ़ चुके हो उसको याद होगा, वो जानते होंगे कि शहरी किसको कहते हैं, ग्रामीण किसको कहते हैं। वो डिसाइड किया जाता है आबादी पर और उस जमीन पॉपुलेशन से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, इस टॉपिक पर हम लोग कैपिटल गेन में बात करेंगे। ओके आगे चले, अब देखो लॉ क्या कहता है, इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम, क्या बच्चा, इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कहां एग्जेम्प्ट किया गया है? सेक्शन 10
वन में, या क्लॉज वन ऑफ सेक्शन 10 में क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये जो एग्जेम्प्शन किया गया है क्या सबके लिए? आस्था बेटा ध्यान से सुनिएगा, क्या इनकम सबके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है? देखिए कुछ लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। बच्चों मैंने ये कहा क्या, ये कहा कि उसके लिए और उसके लिए नहीं, एसएससी कहा ना, एसएससी में तो सब आ गए, सातों लोग आ गए, कौन सात? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई। अब सुनो, वो सातों लोग कंपनी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी एओपी बीवाई एजेपी इंडिविजुअल एचयूएफ सब, सर आप इस लाइन पर बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं? पता है क्यों? आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये लगने लगेगा अच्छा सर तो बोले थे पार्शियल इंटीग्रेशन। बच्चों पार्शियल इंटीग्रेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एग्जम्पशन तो सबको दे दिया गया है, और जब एग्जम्पशन का मतलब ही होता है कि वो टोटल इनकम का कभी भी पार्ट नहीं बनेगा। ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर है अमन? क्लियर आनंद? कोई दिक्कत? चलिए सर एक बात बताइए, ये तो आप बता दिए एग्जेम्प्ट, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को जनरली किस हेड में प्रेजेंट किया जाता है, मतलब किस हेड ऑफ इनकम में लिखते हैं? देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आईएफओएस, आईएफओएस का मतलब आदित्य इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा सर फॉरेन एग्रीकल्चर, बड़ा मिस्ट्री वाली बात बताएंगे, आपको बड़ा हंसी छूटेगा। देखिए कुछ लिखा है हमने आपके समझने के लिए, फुल्ली टैक्सेबल। ये बात इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग कौन वाला लाइन है, फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। सर ये क्या मजाक है, पिंकी प्रॉमिस, सच बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, एग्रीकल्चरल फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानती। हाँ इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चरल भले एग्रीकल्चरल हो, हिंदी में हो, लिटरेचर में हो, हर एक पेपर में हो, लेकिन टैक्स कहता है कि अगर फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो कभी भी एग्रीकल्चरल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें कौन सा बड़ा बात बताती है, न्यूमेरिकल में आप ब्लंडर कर बैठोगे। पूछो क्या, दो तरह का एग्रीकल्चरल इनकम दे दिया जाए, एक इंडियन एक फॉरेन, आप दोनों को एक ही तरफ जोड़ दोगे, जबकि फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल है ही नहीं, तो सर कैसा है, उसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे? हाँ बिल्कुल, यानी उसको तुम लिखोगे एग्रीकल्चरल, लेकिन इनकम टैक्स उसको एग्रीकल्चरल नहीं मानेगी, नॉन एग्रीकल्चरल। मतलब सर ये एग्जम्प्ट नहीं है? आंसर तो आपके पास है, जब वो एग्रीकल्चरल नहीं मानती है तो इसका मतलब एग्जेम्प्ट भी नहीं मानती है। अभी भी आपको इसमें दाव पेच नहीं समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल में ब्लंडर हो जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको दो इनकम दे दिया गया, एक इंडियन और एक एग्रीकल्चर फॉरेन का, मान लो श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान, आप दोनों को जोड़ देंगे, वो तो एग्रीकल्चरल है ही नहीं, भले आप अदर सोर्स में लिखना लेकिन उसमें एग्जम्पशन नहीं होगा, वो नॉर्मल टैक्स लगेगा जैसे टैक्सेशन होता है। अब सर सवाल ये है कि सर हमेशा टैक्सेशन होगा? नहीं बच्चों, ये डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर, आरएस पर। देखो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है हाईलाइट करने के लिए आपको, ये किस पर डिपेंड करता है? आरएस पर। आरएस का मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा जो पढ़े उनको थोड़ा सा पता होगा, जो नहीं पढ़े हो वो वेट करो, अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों अब डिपेंड करता है कि सर ये नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो टैक्स तो पे करेगा। अगर आप फॉरेन इनकम को, फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम को इंडिया में रिसीव कर लोगे, कहां रिसीव कर लोगे? इंडिया में। चलो मान लो आप इंडिया में रिसीव करोगे तो टैक्सेशन हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो क्या सर फॉरेन एग्रीकल्चरल पर एग्जम्पशन नहीं मिलता? आंसर क्या होगा बच्चों, हाँ या ना? ना, एग्जम्पशन नहीं मिलता है, नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) में, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर फॉरेन एग्रीकल्चरल को एग्रीकल्चरल भी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। यहां तक क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एक क्वेश्चन लिखेंगे भी स्क्रीन पर, कुछ चीज और समझो एग्रीकल्चरल इनकम के रिगार्डिंग।
एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? इट मस्ट बी फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ये कहां से हो रहा हो? इंडियन एग्रीकल्चरल का मतलब क्या है? खेती वैसे जमीन पर हो रही हो जो जमीन कहां सिचुएटेड है? इंडिया में। सर, एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या हुआ? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आया है। अभी तुम धैर्य रखो, हम आगे बात करेंगे। किससे आया हो? किससे आया हो? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। चले बच्चों आगे, यहां तक कोई दिक्कत? सर, आप बताए थे ना इंडिया का मतलब, याद है बच्चों? ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं, जहां तक एयर वाटर और लैंड, हवा पानी और जमीन, जहां तक इंडिया है वहां तक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो भी इनकम आया होगा उसको इंडियन एग्रीकल्चरल कहेंगे। आपको मैंने बताया था 200 नॉटिकल माइल्स तक वाटर में, समुद्र में इंडिया आता है और 12 नॉटिकल माइल्स के बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काउंट होने लगता है। अब कहिएगा सर पढ़े इतना दिन हो गया, दिमाग से निकल गया, हम लोग हैं गजनी, है ना? कोई बात नहीं, याद कराना मेरा काम है। अभी तक तो डांटे भी नहीं है, एक दिन भी मारे भी नहीं है, सही बात है। विलियम शेक्सपियर का एक लाइन जानते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जिस दिन टीचर छड़ी छोड़ दे उस दिन बच्चा बिगड़ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा, ठीक है? आगे चलते हैं, हंसी मत, समय आएगा। वो जो जमीन है वो रूलर भी हो सकता है और अर्बन भी हो सकता है। अब ये अभी मत पूछो कि रूलर क्या अर्बन क्या, जिनको पता है वेल गुड, नहीं पता है हम लोग इस बात को कहां पढ़ेंगे? कैपिटल गेन में। कोई दिक्कत? चलो सर, एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एसएससी। सर, इस बात को क्यों बार बार हाईलाइट कर रहे? पता है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बच्चा गलती कर दिया। सबके दिमाग में ये लगने लगा, नहीं यार पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ाए थे। बाबू, पार्शियल इंटीग्रेशन एक अलग चीज है, एग्जेम्प्ट ऑल एसएससी। ऑल एसएससी मतलब ऑल पर्सन। कोई दिक्कत? अच्छा सर, एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई लिमिट है? एक बात आपको बताएं बच्चों, यही तो सबसे बड़ा लूपहोल है टैक्स में। आप अगर नेता हो ना, आप मिनिस्टर हो, आप अपने सारे ब्लैक मनी को एग्रीकल्चरल का नाम दिखा देते हो, सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है बच्चों। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितना इनकम हुआ कह दो, सब इनकम खेती से आया। अब तुम सोचोगे, सर अगर इनकम टैक्स ने हमसे ये पूछ लिया कि तुम्हारे पास खेती वाली जमीन कहां है, कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, लॉ में लिखा हुआ है ऑनरशिप होना जरूरी, आप कह दोगे मैंने दूसरे के जमीन पर खेती किया। पता है बच्चों, ये एक लूपहोल है टैक्स का, एक बहुत बड़ा कमी है जिससे व्हाइट मनी को लोग, सॉरी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ सेलिब्रिटी के बारे में बताया था। अब पता है बच्चों, इस पर इनकम टैक्स विचार कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एक लिमिट बनाना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही बनेगा ना, कोई भी गवर्नमेंट बनाए बड़ा विवाद हो जाएगा, क्योंकि किसान हमारे देश के एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुद्दा होता है वोट का। तो तुरंत पब्लिक या अलग अलग मीडिया ये प्लेटफॉर्म पे कहने लगेगी कि ये गवर्नमेंट जो है किसान विरोधी है, तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है। खैर, ये जब चेंज होगा तो होगा, इस बात को साइड करते हैं। फिलहाल तो ये समझो, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होने के लिए क्या कोई लिमिट है? सर, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बच्चों कोई लिमिट नहीं है। ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ कीजिएगा, और ऑनरशिप होना भी जरूरी नहीं है। इस सारे पॉइंट में ऑब्जेक्टिव छूटा हुआ था, है ना? ऑनरशिप होना जरूरी है? नहीं बच्चों। अगर आपसे इनकम टैक्स कभी एक्सप्लेनेशन मांग ले कि आपके पास कहां जमीन है, तो आप उनको जवाब दीजिएगा, सर लॉ में लिखा हुआ है ऑनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी, मैंने किसी से लिया और उससे खेती की और रिवेन्यू उसके साथ बांट लिया। ये देखिए, 2-400 करोड़ का अनाज बेचे हैं हम, आइए आप भी कीजिएगा क्या खेती, समझे? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ। अब आपको ये समझ में आया बच्चों, लूपहोल्स। तो जो दोनों सेलिब्रिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, फिल्म एक्टर के बारे में, इन दोनों ने इस लूपहोल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अच्छा, एडवाइस कौन किया होगा? आप जैसे ही पढ़े लिखे लोग, आप ही लोग के पास ना गए होंगे तब? चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ नोट डाउन कीजिएगा, यहां तक कुछ नोट डाउन भी कीजिएगा कि आगे चले हम लोग।
यहां तक कोई दिक्कत है? सेट हुआ दिमाग में? चलिए आगे पढ़े अब हम लोग। यहां तक सेट हुआ, क्या क्या पढ़े बोलो ना, क्या क्या पढ़े? दो बातें पढ़े। पहला कि सर एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1) में। एग्रीकल्चरल इनकम दो तरह का है बच्चों, बोलो साथ साथ, इंडियन और फॉरेन। इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम टोटली एग्जेम्प्ट, क्या उस पर कोई लिमिट है? नहीं। इंडियन किसे कहते हैं? जो हाँ इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हुआ हो। और इसको प्रेजेंट कहां करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई लिमिट है? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं है। सर एक बात ये बताइए, लिमिट का मतलब इनकम, जैसे आप सोचेंगे कि सर कितना, लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख, कहां तक एग्जेम्प्ट है? बच्चों कोई लिमिट नहीं है, करोड़, दो करोड़, लाख, हजार, दस, बीस, कितना भी रुपया हो, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। कोई दिक्कत? आगे चले। अच्छा बच्चों जनरली हम इसको कहां प्रेजेंट करते हैं? IFOS में। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या एग्रीकल्चरल इनकम के टैक्सेशन के लिए कोई रूल बनाया गया होगा? हाँ बिल्कुल बनाया गया। आगे बात करें, यहां तक दिमाग में सेट हुआ इतनी बातें? फॉरेन कब कहलाएगा कोई इनकम? जब वो इंडिया के बाहर हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स नहीं मानती। आगे चलें। चलो सर देखिएगा बच्चे लोग, ध्यान से सुनिएगा सर, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, सर क्या टैक्सेशन का कोई रूल बनाया गया? स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए देखिए क्या बोलता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगा, लेकिन क्या बोलता है बच्चों, उस टैक्सेशन के तरीके को एक नाम दिया गया है, पढ़िएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है बच्चों। होता क्या है सुनिए, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, लिस्ट बी में। एग्रीकल्चर सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली क्या करती है कि एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट कर देती है। दूसरी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती भी है तो बहुत कम, नॉमिनल होता है, ना के बराबर होता है। तो अब दिक्कत यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह सोचती है कि हमने इसको अपने लिस्ट से तो बाहर कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बंटवारे के अकॉर्डिंगली, संवैधानिक प्रोविजन के अकॉर्डिंगली इसको कहां दिया गया? लिस्ट बी में। और लिस्ट ए पर किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज को देखते हुए अब सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे टैक्स ले? नीतीश ध्यान दीजिए, कैसे टैक्स ले? तो बच्चों वो घुमाती है और एक तरीका बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन। पढ़ा था ना आपने, क्या बोलते हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन। यहां तक क्लियर है ना? अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आप पहले कहे कि सबके लिए एग्जेम्प्ट, अब कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल करेगी, तो किसके लिए टैक्सेबल करेगी? किस पर टैक्सेबल करेगी और किस तरीके से करेगी? है ना मन में दो सवाल, पहला सवाल क्या है? पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई किस पर होगा और कब होगा? सर क्या ये रूल है? हाँ तो सुनो इसका जवाब, पार्शियल इंटीग्रेशन जो टैक्सेशन है वो अप्लाई सेलेक्टेड लोगों पर होता है। वो सेलेक्टेड लोग कौन है आपको स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। सर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी पर क्या ये अप्लाई नहीं होता? आंसर नो। सर लेकिन एग्जेम्प्ट तो होता है, तो सर आप यहां दो बात बताएं, एग्जेम्प्ट सबके लिए और पार्शियल इंटीग्रेशन सेलेक्टेड लोगों के लिए। हां सेलेक्टेड लोगों के लिए, वो सेलेक्टेड लोग कौन है? यही पांच लोग हैं। आगे चले, अब सवाल आता है, नीतीश सुनना बाबू, अब सवाल ये है कि सर पार्शियल इंटीग्रेशन इनके लिए है लेकिन कब है? ऐसा क्या गुना हो जाएगा, कौन सी गलती हो जाएगी कि पार्शियल इंटीग्रेशन होगा? चले दो शर्त है, कितना शर्त? दो शर्त। देखिए जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, पहला सुनिएगा, नेट एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड 5,000 पर एनम। क्या एक्सीड कर जाए? 5,000
पर एनम। जैसे ही 5000 से ज्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, और दूसरा एंड एंड ध्यान से सुनिएगा, और लिखे हैं कि एंड लिखे हैं? और एंड में क्या डिफरेंस है? अब देखो सुनो, कहता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक लिमिट से एक्सीड कर जाए। क्या कह रहा है बच्चों? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक लिमिट से क्या हो जाए? एक्सीड कर जाए। तो सतीश ध्यान से सुनना बाबू, सभी लोग, सर ये बेसिक लिमिट का कुछ मतलब जरूर छुपा हुआ है। आस्था बेटा याद है, जो लोग 60 साल से कम के होते हैं उनका बेसिक लिमिट 2.5 लाख है। अगर 2.5 लाख से एक्सीड कर गया, अच्छा एक बात और आपको याद है, नॉन रेसिडेंट का भी बेसिक लिमिट 2.5 लाख है। फर्क नहीं पड़ता नॉन रेसिडेंट किस एज के हैं, है ना? तो बच्चों जो 60 साल से कम वाले लोग हैं या एनआर है नॉन रेसिडेंट, उनका बेसिक लिमिट 2.5 लाख है। याद आ रहा है? स्टार्ट के क्लास में बताए थे, फिर सुनो। तीसरा बेसिक लिमिट क्या था? 3 लाख। जो लोग 60 इयर्स से अबव हैं और 80 इयर्स से कम हैं, उनके लिए बेसिक लिमिट 3 लाख है। और जो लोग 80 साल से अबव के हैं उनके लिए बेसिक लिमिट क्या था? 5 लाख। याद आया? तो ये दो कंडीशन क्या क्या पढ़े बउआ लोग, दो कंडीशन तुम ये पढ़े कि अगर मेरा नेट एग्रीकल्चरल इनकम क्या एक्सीड कर जाए, हाँ 5000 से एक्सीड कर जाए, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का बेसिक लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? पार्शियल इंटीग्रेशन। लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन कुछ सेलेक्टेड लोगों पर ही लगेगा। वो सेलेक्टेड लोग कौन है? HUF, AOP, BOI एंड AJP। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्क्रीन पर लिखते हैं, जवाब मत दीजिएगा जिससे पूछेंगे। अब जो लोग इधर उधर देख रहे थे, देखिएगा उनका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। चलिए मान लीजिए एक मान लीजिए आस्था का एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? सब लोग सुनिएगा, जवाब नीतीश आपको देना है। चलो बिजनेस इनकम ले लेते हैं इन लोगों का। क्या ले लेते हैं पहले? बिजनेस इनकम। तो मान लो बउआ फर्म से इन लोगों ने 4 लाख रुपीस अर्न किया। कितना? 4 लाख। अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम से भी पैसा आया है। कहां से आया है? एग्रीकल्चरल। दो जगह का ले लेते हैं, एक हो गया इंडियन एग्रीकल्चरल और एक ले लेते हैं श्रीलंका का, ठीक है? चलो चलो, तो इंडियन एग्रीकल्चरल लिख देते हैं 2 लाख रुपीस और श्रीलंका का लिख देते हैं 5 लाख रुपीस। नीतीश आपसे ये क्वेश्चन है कि हम आप एक सवाल का जवाब दो, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम कितना हुआ टोटल इस क्वेश्चन में और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना हुआ? आप लोग मत बोलना, उनको जवाब देने दो, क्योंकि हम पढ़ा रहे ना तो बोर्ड देख रहे, इसमें पता नहीं सर कहां बैठे हुए। हाँ नहीं, हिंट नहीं कीजिएगा, पता नहीं चलेगा, सीखने दीजिए। हाँ एग्रीकल्चरल इनकम 2 लाख हो गया, ठीक है, चलिए आपकी बात सुनते हैं। और बताइएगा नॉन एग्रीकल्चरल? 5 लाख हो गया नॉन एग्रीकल्चरल, 9 लाख हो गया, 9 लाख नॉन एग्रीकल्चरल। बच्चों क्या नीतीश का आंसर सही है? अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है बड़े भाई से, चलिए विवेक जी जवाब दीजिए। छ क्या किस में रखे, एग्रीकल्चरल की नॉन एग्रीकल्चरल? अच्छा इन्होंने सही कहा, ये कह रहे हैं आप? अच्छा मिंटू आप बताइए, सही है? आस्था सही है?
हाँ सर, अभी तो आपने बताया था कि फॉरेन एग्रीकल्चरल को एग्रीकल्चरल नहीं मानते हैं, तो जो श्रीलंका से इनकम आया 5 लाख उसको एग्रीकल्चरल नहीं मानेंगे, वो क्या हो जाएगा? नॉन एग्रीकल्चरल। तो बिजनेस से आया 4 लाख, श्रीलंका के एग्रीकल्चरल से आया 5 लाख, तो नॉन एग्रीकल्चरल कितना हो गया? 9 लाख। और इंडियन एग्रीकल्चरल कितना रहा? 2 लाख। तो इस अकॉर्डिंगली हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब आपको ये समझ में आया बच्चों, हम बार बार क्यों फोकस कर रहे थे? क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये लोग एग्रीकल्चर में बाइफर्केट कर देते हैं, इंडियन इतना, फॉरेन इतना। आप ध्यान नहीं दोगे, आप दोनों एग्रीकल्चरल को जोड़ दोगे और पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां तक दिमाग में सेट हुआ? चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको दो बातें बताई, जरा ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन का 2 शर्त बताया, क्या क्या बताया? पहला, पार्शियल इंटीग्रेशन होने के लिए 2 कंडीशन का पूरा होना चाहिए। पहला, नेट एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा बच्चों, नेट 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 का मतलब समझ रहे हो? आपको मैंने जब प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन बनवाया था तो एग्रीकल्चरल का एक्सपेंस दिया था, उसको आप माइनस किए थे, तो जो फाइनल इनकम है ना उसकी बात कर रहा है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा हो एंड और नहीं, एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हो। सर, बेसिक लिमिट तो अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग होता है ना, तो सर यहां भी बेसिक लिमिट अलग अलग है? हाँ बच्चों बिल्कुल, वो तुम क्वेश्चन में देखना, वो पर्सन किस एज का है, याद आ रहा है ना? 60 साल से कम, 60 से ज्यादा और 80 से, और 80 से ज्यादा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? आदित क्लियर है? चले आगे। सर एक बात बताइए, अभी तक तो ये आप बोले ही नहीं कि एग्रीकल्चर हम लोग कहते किसको हैं। अब बताते हैं, ये आपको जानना क्यों जरूरी है। एग्जाम में थ्योरी आजकल आ रहा है 4 नंबर का, आजकल प्रोफेशनल का कल्चर बना है थ्योरिटिकल क्वेश्चंस का भी। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, व्हाट इज एग्रीकल्चरल, कहां डिफाइन किया है, किस सेक्शन में डिफाइन किया है, वो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, अभी वेट करो। अब ये बताइए सर कि पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में तो आप बोल दिए कि पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, टैक्सेशन होगा, लेकिन उसका क्या तरीका है? कोई फॉर्मेट है? इनकम टैक्स ने कोई फॉर्मेट दिया है? बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर, उसका एक फॉर्मेट है। तो देखो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, किस केस में? इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल। बच्चों अगर नॉन एग्रीकल्चरल रहा तो वहां तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता। पार्शियल इंटीग्रेशन कहां अप्लाई होता है? जहां एग्रीकल्चरल होता है। लेकिन क्या सबके लिए? सेलेक्टेड लोगों के लिए? हर सिचुएशन में नहीं सर, 2 स्पेशल सिचुएशन में। नेट एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा हो और बेसिक लिमिट से उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड कर गया हो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है बाबू, एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल को जोड़ देना है। तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? एग्रीगेट। अब ये समझो, हम उतना देर से क्यों फोकस कर रहे थे कि तुमको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल किसे कहते हैं और नॉन एग्रीकल्चरल किसे कहते हैं। अगर तुमको ये नहीं पता होगा तो तुम सबको जोड़ दोगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि फॉरेन एग्रीकल्चरल को भी एग्रीकल्चरल मान लोगे और एग्रीकल्चरल इनकम क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद तुमको क्या करना है? टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। क्या निकालना है? टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। अच्छा, टैक्स निकालना आता है ना? अच्छा, 2 रिजिम हम लोग पढ़े थे अभी तक, हम आपको प्रैक्टिस बार बार ओल्ड रिजिम से ही करा रहे हैं, न्यू रिजिम अभी तक डिस्कस नहीं किए, यानी वो भी अभी डिस्कशन बाकी है। चले, टैक्सेशन निकालने के बाद इसको कौन सा सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दीजिएगा? ए। आगे बढ़े, उसके बाद क्या कीजिएगा बच्चों? बेसिक लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दीजिएगा। सर ये तो बदलता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन बदलेगा, 60 से कम वालों के लिए अलग, 80 साल से ऊपर वालों के लिए अलग, 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम वालों के लिए अलग। तो
तो उनकी बेसिक लिमिट में उनका एग्रीकल्चरल पहले जोड़ दीजिएगा, फिर उस पर क्या कैलकुलेट कर दीजिएगा, टैक्स, जैसे आप सीखे हो, टैक्स निकाल दीजिएगा। उसको क्या सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देना है, बी। देखिए, एक को हमने क्या सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिया, ए, इसको क्या देंगे, बी, ए माइनस बी। अब बच्चों सोच कर देखो, रियल में तुम्हारा इनकम कहां एग्जेम्प्ट हुआ, एग्रीकल्चरल इनकम को इन लोगों ने ऐड करवा दिया ताकि तुम बेसिक लिमिट से क्रॉस कर जाओ और तुम पर टैक्स बन जाए, तो स्लैब रेट का एक रेट आकर लग गया ना एग्रीकल्चरल पर भी। अब देखो, लॉ कहता है कि अगर वो बंदा रिबेट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब रिबेट कब मिलता है, याद करो मैंने क्या बताया था, जब टोटल इनकम, हाँ, 5 लाख से कम हो, 5 लाख तक हो या 5 लाख से कम हो तो उसको रिबेट मिलेगा। तो अगर रिबेट एप्लीकेबल है तो रिबेट दे दो, रिबेट एप्लीकेबल नहीं है तो मत दो। कभी कभी ऐसा भी तो होता है बच्चों, अगर इनकम सर्टेन लिमिट से पार कर जाए तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, सरचार्ज, याद है सरचार्ज, गुड। चलो फिर क्या जोड़ दोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सिंपल। तो ये फॉर्मेट लिखोगे बच्चों, अगर नहीं लिखा हुआ है तो, चलो लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार लिख लीजिए इसको, हम वेट यहां रुक जाते हैं, एक बार लिख लीजिए। चलो बच्चा लोग, बात नहीं। अब सर एक बात बताइए, दिमाग में बहुत देर से एकदम चल रहा है, कीड़ा काट रहा है कि सर एग्रीकल्चरल का मतलब क्या है। देखिए, ये कुछ एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सब इनकम खेती वाला माना जाता है और ये सब इनकम नॉन एग्रीकल्चरल माना जाता है। ओके, तो बगौर लोग, ये कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चरल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले अब आते हैं कि एग्रीकल्चरल क्या है वो आपको समझाते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आइए वापस से आइए जो हम लोग इंट्रो में पढ़े थे। इंट्रो हम लोग कहां से किए थे बच्चों, एग्रीकल्चरल से, है ना विवेक, यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत? देखिए, अब सवाल है सर एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, किसे हम एग्रीकल्चरल कहेंगे। देखो बच्चों, एग्रीकल्चरल इनकम का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो कहां बताया गया है, सेक्शन 2(1)(a) में, हाईलाइट करो सेक्शन 2(1)(a) में, कॉपी में लिखो, हाँ कॉपी में इसको लिखो, सेक्शन 2(1)(a) में, हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो पीडीएफ में है ना, कोई बात नहीं, तब छोड़ दो। अब सवाल है बुआ लोग, हाँ बात नहीं बेटा, हाँ अब सवाल है कि सर एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग देखिए बच्चों, 4 चीजों से मिलकर एग्रीकल्चरल बना है। पहला कहता है रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ध्यान से सुनिएगा बुआ, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, एक फिल्म की कोई कंपनी आई, उन्होंने कहा कि आपके यहां जो खेत है उस पे उन लोगों ने सेटअप लगाया फिल्म के शूटिंग के लिए और आपको कुछ पैसे देकर गए, क्या वो एग्रीकल्चरल है? नो, आंसर इज नो, क्योंकि लॉ साफ साफ कहता है वो किसमें इस्तेमाल हुआ हो, एग्रीकल्चरल पर्पस। अच्छा बच्चों, आप देखे होंगे बहुत सारा फिल्म जो पहले का लव स्टोरी सब आया करता था, अक्सर जो गाने थे वो फिल्माए जाते थे, सरसों का खेत है या एकदम हरियाली वाला कुछ, मतलब हीरोइन दौड़ते हुए जा रही है, उधर से हीरो दौड़ता हुआ आ रहा है। बच्चों हाँ, दिलवाले दुल्हनिया वगैरह में भी है। सवाल ये है बच्चों कि जो ऑनर होंगे उस जमीन के, उस एग्रीकल्चरल लैंड के, वो जरूर कुछ ना कुछ तो पैसा लेते होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका बर्बाद वेस्टेज होगा ही होगा। सवाल यहां ये फंसता है, सर उन्होंने जो रेंट रिसीव किया, क्या वो एग्रीकल्चरल है? आंसर इज नो। पूछिए क्यों? क्योंकि सेक्शन 2(1)(a) कहता है कि एग्रीकल्चरल का मतलब हुआ वैसा रेंट जो उस जमीन से आया हो और उस जमीन में भी क्या हो रहा हो, एग्रीकल्चरल पर्पस। इस बात को समझिएगा,
एग्रीकल्चरल पर्पस। अगर खेती से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और रेंट आया है, एग्जाम्पल ले लो बच्चों, आपके पास खेती वाली जमीन है, उसमें बहुत बड़ा बाजार लगा दिया गया, मेला लगा दिया गया और आपको पैसे दिए गए उस बदले में, क्या वो एग्रीकल्चरल है कहीं से? आंसर इज नो। तो क्या वो एग्रीकल्चरल होगा? नो, है ना। आपने सुना होगा बच्चों हाजीपुर में वो जो मेला लगता है, हाँ सोनपुर मेला। भाई साहब अब इसको ऐसे इमेजिन करते हैं हम, सर अगर वो मेला किसी एग्रीकल्चरल लैंड पर लगता तो सब लोग ह्यूज रेंट देते हैं ऑब्वियसली, तो वो रेंट क्या एग्रीकल्चरल होता? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो मेला जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पस नहीं है। आगे चले। अच्छा दूसरा पॉइंट सुनिएगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हमने उसको हाईलाइट किया है प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, हम आगे आपसे बात करेंगे, येलो कलर से देखिए हाईलाइट है ना, प्रोड्यूस वही प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कह रहे। क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पैसा कहां से आया है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, उस पर बात करना, इसलिए उसको देखिए मार्क करके रखे हैं। फिर क्या बोलता है? रेंट फ्रॉम फार्म हाउस। अच्छा बच्चों अगर वो फार्म हाउस शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता तो थोड़ी जाता, क्या बोलता है? यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में भी कौन सा? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। या फिर इनकम कहां से आ रहा हो? नर्सरी से आ रहा हो। जैसे बच्चों जिनके यहां खेती होती होगी उनको पता होगा नर्सरी क्लास नहीं है, ये नर्सरी जहां प्लांटेशन होता है वो है, पूछ रही है नर्सरी क्या है। सुनिए, हाँ देखिए, इनकम फ्रॉम नर्सरी, आप लोग देखे होंगे ना जैसे धान के बारे में बहुत सारे लोग खेती जानते हैं ना बच्चों, छोटा वाला प्लांट परचेज करके हम कहीं से लाते हैं और फिर उसको अपने खेत में लगाते हैं, तो बच्चों जहां से हम लोगों ने परचेज किया वो क्या कर रहे थे? नर्सरी। अच्छा आपने गांधी मैदान के पास भी देखा होगा प्लांट्स बिकता है, फ्लावर्स बिकता है, क्रीपर्स बिकता है, बिकता है ना, जिसको लतड़ कहते हैं भाई, मनी प्लांट सब। तो पेड़ पौधे जहां उगाए जाते हैं उसको बड़े किए जाते हैं और फिर बेचे जाते हैं वो नर्सरी कहलाता है, तो वहां से भी जो इनकम आता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। अच्छा ड्वेलिंग हाउस स्टोर, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चरल मशीन लाकर रख देते हैं, है ना, कल के क्लास में भी एग्जाम्पल दिया, मान लो आपका घर बहुत दूर है, आपका पूरा गांव दूर है, बच्चों अब गांव के लोग हर दिन ट्रैक्टर लाएंगे, मशीन्स लाएंगे, आपको नहीं लग रहा है डीजल का खर्च, टाइम का खर्च, वेस्टेज, ये सब होगा, होगा ना, तो ये सब इनकम क्या है? एग्रीकल्चरल। चलो एक बार रिकॉल करें, आस्था बेटा एग्रीकल्चरल इनकम किस सेक्शन में बताया गया है? 2-1A में। ओके क्या बताया गया है? कौन कौन सा इनकम एग्रीकल्चरल है? रेंट कहां से आया हो? एग्रीकल्चरल लैंड से, लेकिन एक शर्त है, वो जो जमीन है खेती वाली जमीन वो कहां, हाँ इंडिया में तो हो ही, साथ में वो किस पर्पस में इस्तेमाल हो? एग्रीकल्चरल। दूसरा इनकम जो आया हो वो सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अभी आप वेट करो, कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा इस पे बात कर रहे हैं, अभी धैर्य रखो। दूसरा और कहां से रेंट आया हो? फार्म हाउस। आजकल ना वो ट्रेंड है, कल्चर है, मॉडर्न कल्चर, फार्म हाउस का मतलब हम लोग वो बड़ा वाला घर जिसमें रहते हैं सलमान खान टाइप का, वो फार्म हाउस नहीं है दोस्त, ये एग्रीकल्चरल वाला फार्म हाउस है, वो तो रईसी है। इनकम फ्रॉम नर्सरी, ये एग्रीकल्चरल है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हाँ बोलो बाबू। हाँ नॉन एग्रीकल्चरल, अदर सोर्स, हाँ चलो सैलरी तो नहीं ना हो सकता है, लॉजिकल सी बात है। चले आगे चले। आस्था को दिक्कत बेटा? यहां तक सभी को क्लियर? सतीश को दिक्कत? विवेक, मिंटू कोई प्रॉब्लम? आनंद, चलो बच्चो आप लोगों को आगे बढ़े। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का नाटक, देखे नाटक को? सर नाटक ही देखने में तो मजा आता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, देखिएगा कुछ सवाल है आपके लिए वहां पर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करेंगे तभी ना पैसा आएगा सर, क्योंकि आप कहे थे इनकम,
है ना। तो क्या बोलता है, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को या प्रोड्यूस को सेल करेंगे, कितना एग्रीकल्चरल इनकम होगा और कितना एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, जब तक ये बात आपको पता नहीं होगा, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? पॉसिबल है क्या? है ना। अब देखिए, इनकम टैक्स ने बाजाफ्ता इसके रिगार्डिंग रूल बनाया है कि जो खेती से प्रोडक्ट आया, कितना बेचा गया और कब बेचा गया और किस तरीके से बेचा गया, तब तय होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम कितना और एग्रीकल्चरल इनकम कितना नहीं है। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत है? दिमाग में गया कोई दिक्कत? आगे बढ़े विवेक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आइए अब रूल देखिएगा ध्यान से। रूल फर्स्ट बच्चा लोग स्क्रीन पे देखिएगा। पहला रूल, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में सेल कर दें, पता है ये व्हाट्सएप लैंग्वेज इसलिए लिखे हैं ना बच्चों, ये मदर लैंग्वेज बन गया है, क्योंकि हिंदी में है ना, हिंदी लैंग्वेज है और मातृभाषा के एक अलग बात ही होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत सुकून मिलता है। जैसे बच्चे को अपने माँ के पास जितना सुकून मिलता है ना, वैसे मदर लैंग्वेज में किसी बात को पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है। देखिए पहला सवाल, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में, आस्था बेटा समझ रही हो, रॉ फॉर्म का मतलब हूबहू वैसा ही, गेहूं चावल दाल जैसे आया वैसे ही बेच दिए, रॉ फॉर्म, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। रूल सुनिएगा, पहला रूल, अगर आप रॉ फॉर्म, देखिए उसको हाईलाइट भी किए हैं, देखिए क्या जवाब आपको मिलेगा। टोटल इनकम जो प्रोडक्ट को सेल करके आएगा वो क्या मान लिया गया है? एग्रीकल्चर। एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल गेहूं, आपकी खेती हुई और गेहूं आया, बच्चों ना तो तुमने उसको प्रोसेस किया, ना साफ किया, ना पैकेट में पैक किया, ना दवाइयां डाली, सीधा बिजनेसमैन को दे दिया रॉ फॉर्म में, ये सब का सब क्या मान लिया गया? एग्रीकल्चर। बच्चों टाटा जैसी कंपनी किसानों से जब चावल लेती है, आपने देखा होगा, और पैक करती है, अरे भाई इंडिया गेट वाला बिरयानी का चावल लाते हो ना, तो सोचो क्या किसान पैक किया है, उसको साफ किया है, प्रोसेसिंग किया है, उसमें से मेटल मिट्टी धूल कंकड़ हटाया है? नहीं बच्चों, वो तो रॉ फॉर्म में बेच दिया, उसने कच्चा दे दिया। एग्जाम्पल बच्चों, आलू जो चिप्स की कंपनी है जैसे लेज वगैरह, ये लोग बच्चों किसानों से कच्चा आलू ले लेते हैं सीजन के समय, बाद में उसको प्रोसेस कर धोकर प्रोसेसिंग कर रखते हैं और टाइम टू टाइम चिप्स बनाते हैं। तो बच्चों जो किसान उसको वैसे ही बिना प्रोसेस किए डिट्टो रॉ फॉर्म में दे दिया, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि वो पूरा का पूरा इनकम क्या है बेटा? एग्रीकल्चर। डन, क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? दिमाग में जा रहा है ना? आगे बढ़े, सेकंड रूल जो वहां ऊपर लिखा हुआ था, सेकंड रूल, सर अगर हम प्रोडक्ट को आफ्टर प्रोसेस बेचे, सुनिएगा यहीं से खेल टेढ़ा होगा, प्रोसेस के बाद बेचे। अच्छा सर प्रोसेस का मतलब क्या है? देखिए मैंने हिंदी में वो भी आपके लिए लिखा है, मतलब हम प्रोडक्ट को डायरेक्ट नहीं सेल करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग के बाद सेल करेंगे। मतलब सर हो सकता है हम लोगों ने प्रोडक्ट को साफ किया, धोया, हो सकता है बच्चों हम लोगों ने उसको बाइफर्केट किया, बड़े बड़े आलू को अलग किया, छोटे आलू को अलग किया, अच्छे नस्ल के गेहूं को अलग किया, हो सकता है ना बच्चों प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग बहुत तरह का हो सकता है, धीरे धीरे सब पे बात होगी। आगे बढ़े, अब यहां दो सवाल है, प्रोसेसिंग में भी कितना सवाल है नीतीश? दो। देखिएगा, प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर अ सेल। बच्चों जैसे मखाना कंपल्सरी है बाबू, जब तक उसको अलग नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, वो कवर में रहता है ना, ब्लैक कलर के थोड़ा सा वो हार्ड कवर होता है, उसके अंदर रहता है। तो प्रोसेसिंग क्या है? कंपलसरी है ना, कंपलसरी है। तो अगर प्रोसेसिंग कंपलसरी है तो इनकम टैक्स ने अलग कानून बनाया है, और अगर प्रोसेसिंग ऑप्शनल है, देखिए क्या लिखता है, प्रोसेस इज ऑप्शनल फॉर अ सेल। अब तुम्हारे दिमाग में होगा मतलब प्रोसेस का क्या है, वेट करो, पहले रूल फ्रेम करो, एक बार फिर से आओ। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये बात कहां से आया, ये बात कहां से आया बेटा? वापस से डेफिनेशन पे चलो,
हाँ, एग्रीकल्चरल के डेफिनेशन में ये बात मेंशन है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो बेच कर पैसा आया, तो बेचने के लिए भी कानून बनाई गई कि क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल बेच दिया गया, कच्चा बेच दिया गया, बिना प्रोसेसिंग के बेच दिया गया, या प्रोसेसिंग के बाद बेचा गया। अगर प्रोसेसिंग के बाद बेचा गया है तो दो सवाल, क्या प्रोसेसिंग कंपल्सरी था या प्रोसेसिंग ऑप्शनल था? डन। बीकॉम नहीं है दोस्त, तो जो लोग बीकॉम में पढ़ के बैठे हो ऊपर ऊपर, तो बीकॉम तो है नहीं, गोता तो लगाना पड़ेगा। ऐसे तुम भीड़ से अपने आप को अलग नहीं कर रहे हो, मेहनत तो करना पड़ेगा। चले कंटिन्यू। डन। अब देखिए सर, सर एक बात बताइए, इनकम टैक्स लॉ कहता है कि प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर अ सेल। अगर प्रोसेसिंग एकदम से कंपल्सरी था, जैसे बच्चों आप लोग लहसुन हम लोग मार्केट से लाते हैं, आपको पता है लहसुन में भी प्रोसेसिंग की जाती है, उसके ऊपर जो पेड़ अटैच रहता है उसको काट काट कर अलग किया जाता है लहसुन से, तो वो तो कंपल्सरी है ना, उसका जो खर्च गिरेगा। अब मान लो बच्चों हम लोग के छोटे स्केल पे खेती होता है गांव पे, तो एक दो लोग कर लिया, जिनका हेक्टेयर के हेक्टेयर पे खेती होती है उनके लिए तो कंपलसरी है। आप जब गाजर लाते हैं तो गाजर के ऊपर जो पेड़ अटैच्ड होता है सबको पहले कट करके अलग करवाया जाता है, तब भेजा जाता है मंडी में बेचने के लिए। प्रोसेसिंग क्या हो गया? कंपलसरी है ना बुआ, कंपलसरी। लॉ क्या बोलता है आपके सामने है आस्था, लॉ क्या बोलता है बेटा? टोटल इनकम क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। जिस सिचुएशन में कंपलसरी हो जाए प्रोसेसिंग, उसको क्या बोला गया है? एग्रीकल्चर। अभी तक दो जगह मिला तुमको, कहां कहां? एक ऊपर वाले में भी मिला। ये देखो, रॉ फॉर्म में बेच दिए तब भी टोटल एग्रीकल्चरल, और प्रोसेस कंपलसरी हो गया तब भी एग्रीकल्चरल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब सर एक बात बताइए, प्रोसेस इज ऑप्शनल फॉर अ सेल। प्रोसेस क्या है? ऑप्शनल। आप ध्यान से देखिएगा, यहां से नाटक चालू, और नाटक में तो आप लोग को मन मन लगता है देखने में। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है बच्चे, बोलो? ऑप्शनल फॉर अ सेल। फिर देखो क्या लॉ कहता है, ऐसे सिचुएशन में दो सवाल बनते हैं। क्या बन रहा है? दो सवाल। वो दो सवाल क्या होगा बच्चा, बच्चा लोग? पहला देखिए, क्या एग्रीकल्चर एसएससी का बिजनेस है? क्या एग्रीकल्चर एसएससी का बिजनेस नहीं है? सुनना बच्चों, अब इसको समझिएगा, बिजनेस कब है बच्चों? जब सोल एंड सोल आप टोटली आपका लाइफ उसी से चल रहा हो। बच्चों जो प्रोफेशनल किसान है, प्रोफेशनल कहने का मतलब कि वो कुछ नहीं करते, टोटली उसी में इन्वॉल्व है, उनके लिए वो क्या है? बिजनेस। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, सर किसान का मतलब? पता है इस लॉ में दोनों लोग हैं, जो जमीन का मालिक है वो भी किसान ही कहला रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा खेती वाला रिसीव कर रहा है ना, और जो डायरेक्ट उस पर खेती कर रहा है वो भी। मतलब सर जो कल्टीवेटर है और ऑनर है दोनों एग्रीकल्चर इस लॉ के अंदर है। हाँ, ये खेल को समझ लीजिए, दोनों के दोनों क्या आस्था। एग्जाम्पल लो आनंद, एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी एक जमीन है, मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, वो जमीन हम आपसे लेकर खेती कर रहे हैं, जो पैसा आया आपको भी दिए और मेरे पास भी आया, इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंगली इनका भी इनकम एग्रीकल्चरल और मेरा इनकम भी एग्रीकल्चरल। समझ रहे हो बच्चों? अब नोटिस किए, यहां दो लोग हैं, एक कल्टीवेटर, हम किसान है ना, कल्टीवेटर, आनंद क्या हो गए? ऑनर। तो आनंद के पास भी जो इनकम पहुंचा वो भी, और जो हम कमाए वो भी। इसका मतलब बच्चों ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं था, जो जमीन का मालिक है उसके लिए भी, और जो खेती कर रहा है उसके लिए भी। इसीलिए तो ये लोग इनकम टैक्स में लूपहोल्स रखा है, ऑनरशिप इज नॉट। तो जितना भी ब्लैक मनी सब है, मिनिस्टर्स लोग या बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी हैं, ऑफिसर्स हैं, सब उसको आराम से वाइट कर सकते हैं, क्या बोलकर? एग्रीकल्चर, क्योंकि ऑनरशिप तो जरूरी नहीं है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहां तक? एकदम दिमाग में सेट हुआ?
ठीक है, अब एक बार रिकॉल कर देंगे स्टार्ट से, पहले इतना फ्रेम कीजिए। अब देखिए दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर क्या एग्रीकल्चर एसएससी का बिजनेस है, अगर बिजनेस कब मानेंगे, जब ऑल एंड ऑल आप उसी पर डिपेंडेंट हो। जैसे बच्चों गांव में या हरियाणा पंजाब के जो किसान है टोटली इसी पर डिपेंडेंट है, कुछ नहीं करते, उठते के साथ खेती, सोते के साथ खेती, मतलब रात दिन अगर कुछ सोचते हैं खेती। लेकिन आपके लिए तो ऑप्शनल है ना, हमारे लिए आपके लिए गांव पे खेत है, वो आपने किसी को दे दिया है, वो आपको साल में एक बार रेंट दे देता है, पर एनम रेंट दे देता है, तो आपके लिए वो तो ऑप्शनल हो गया ना। अब सोचिए तो जिनके लिए बिजनेस नहीं होता वो कहां टैक्सेबल होगा? क्या बात कर रहे हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS में टैक्सेबल होगा। तुम तो आनंद ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए सोचने लगे अभी से, इसीलिए ना ध्यान हट गया। ओ माय गॉड, क्या सतीश यहां तक फ्रेम हुआ? हाँ, चलो बाबू अब सुनो ध्यान से, अगर एसएससी का एग्रीकल्चर बिजनेस है, बच्चों एग्रीकल्चर बिजनेस है तो पीजीपीपी में लिखना, अगर एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है तो कहां प्रेजेंट करोगे? आईएफओएस में। अब सुनो बुआ, अब ध्यान से, इसके रिगार्डिंग कुछ रूल है। सर आईएफओएस में जब प्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए क्या कोई रूल है? देखना बाबू स्क्रीन पर क्या रूल है, कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेस। बच्चों उसका कोई बाजार का मूल्य होगा ना, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, कुछ तो कीमत होगी, क्योंकि वो तो बदलता है, सीजन टू सीजन बदलता है, साल दर साल बदलता है। तो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू से क्या लेस कर लो, क्या लेस कर लो, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो जो बच गया वो एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं बाबू, मान लो हम लोग किसान हैं और एग्रीकल्चर हमारा बेसिक प्रोफेशन नहीं है, और टमाटर का फेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपए किलो चल रहा है, मतलब अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लो, और बच्चों उस टमाटर को लगाने में किसान का खर्चा टोटल कॉस्ट हम लोग का आया मान लो 5 रुपए पर केजी, 5 रुपीज पर केजी, तब भी मुझे कितना बचा? 15 रुपया। ये क्या मान लिया जाता है? एग्रीकल्चरल इनकम। अब आप सोचेंगे सर ये जरूरी है क्या हर लोग सही डिटेल बताएगा, यहीं पर तो आकर लूपहोल फंस जाता है कि कैसे पता चलेगा कि उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। आप गलत भी दे सकते हैं, पढ़ाकर भी दे सकते हैं, खैर ये यही एक मैटर है जो लूपहोल्स है। आगे बढ़ते हैं, डन डन। ये रूल हम कब बताएं? आईएफओएस के केस में, जब एग्रीकल्चर आपका बेसिक प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम कितना मानोगे बेटा बोलो तो? जैसे गेहूं चावल दाल कोई भी प्रोडक्ट हो उसका क्या ले लोगे? एफएमवी। एफएमवी का मतलब बच्चों फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लेस कर लेंगे? कॉस्ट। क्या बचेगा? एग्रीकल्चरल इनकम। डन। अब आइए देखिए, सर आपने बताया अभी, आइए एक बार इसको मिनिमाइज करके रखते हैं, सुनिएगा। सर आपने ये बताया कि अगर एग्रीकल्चर एसएससी का बिजनेस है तो इसको कहां प्रेजेंट करना है? पीजीबीपी में। इसके लिए कोई रूल है क्या सर? हाँ बच्चों, हाँ, पीजीबीपी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये हमारा थर्ड हेड होता है बच्चों, टोटल इनकम पढ़ाते समय फॉर्मेट पर लिखे थे ना, कैसा हेड होता है? थर्ड हेड। चलो स्लोली स्लोली याद हो जाएगा, घबराओ नहीं, आगे चले आगे चले। अब देखिए, अब इसका पूरा रूल आपके सामने रख दिया। क्या बोलता है बच्चों? सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो तुम बाजार में उसको बेचे उससे जो कीमत आया वो लिख लो, और फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेस कर लो, और उसके अलावा अगर कोई और खर्च लगा है तो वो लेस कर लो। जो बच गया वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। सर क्या इस रूल का हम यूज करेंगे? हाँ बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या लोगे, वो प्रोडक्ट कितने में बिका, उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है,
बच्चों बहुत बार आप क्या करते हो, तुरंत नहीं बेचते ना। एग्जाम्पल लो, अभी मान लो पोटैटो हुआ, उसका प्राइस 10 रुपए जा रहा है, तुम कोल्ड स्टोर में रख दिए, और जब कीमत बढ़कर आलू 50 रुपए हो गया तब तुम बेचे, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेस करोगे? अच्छा, हो सकता है कोल्ड स्टोर का खर्च लगे, एग्जाम्पल ले लो 10 रुपीज पर केजी खर्च लग गया, तब भी तो तुम्हारा बिजनेस इनकम आ जाएगा, कितना? 30। सर एक बात बताइए, यहां तक तो हम लोग समझ गए, ये स्पेशल प्रोडक्ट का क्या नाटक है सर, स्पेशल रूल फॉर टी कॉफी एंड रबड़। पता है बच्चों कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी है, कैश क्रॉप्स वगैरह, जैसे देखिए चाय, कॉफी, रबड़, इसके लिए अलग कानून बनाई गई है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ने स्पेशल रूल बनाया है ऐसे सिचुएशन में। तो किस सिचुएशन में, देखिए इसका रूल भी है, रूल 8, ध्यान दीजिएगा, रूल 8 हाईलाइट करते हैं, रूल 8, रूल 7B, रूल 7A, ओके सुनिएगा 1 by 1। बच्चों ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, आप चाय उगाते हो और मैन्युफैक्चर करते हो, देखते हो टाटा लीफ का एड आता है, बगानों से चुन चुन कर लाए हैं आपके लिए, एड देखे होंगे बहुत पहले आता था। तो पता है बच्चों इनकम टैक्स ने लॉ क्या बनाया है, कहा है कि ऐसे केस में 60% इनकम क्या होगा, एग्रीकल्चर, और 40% फिर से सुनो बच्चों, ग्रोइंग अन मैन्युफैक्चरिंग मतलब बागान भी आपका और मैन्युफैक्चरिंग भी आप ही करते हैं, दोनों आप करते हैं। जैसे बच्चों टाटा के केस में आप सुने होंगे कि टाटा का खुद का अपना चाय का बागान है ना, तो चाय भी वही ग्रो कर रहे हैं, सॉरी चाय नहीं, टी लीफ, चाय की पत्ती ग्रोन भी वही कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर भी वही कर रहे हैं। तो वैसे केस में लॉ क्या कहा गया है, 60% इनकम, 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चर। अच्छा उसके बाद देखिएगा, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, यहां ध्यान से सुनिएगा बाबू लोग, दो लाइन है, कॉफी को ग्रोन भी आप कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब आप बाजार से लाते हैं ना बेटा, खरीद कर, प्रोसेसिंग को कहते हैं, तो प्रोसेस करके ना देता है। चलो सुनिएगा, अगर आप सिर्फ कॉफी को ग्रो किए हो और क्योर्ड किए हो तो 75 और 25 रूल है, 75% एग्रीकल्चरल एंड 25% नॉन एग्रीकल्चरल। लेकिन अगर आपने कॉफी को उगाया भी, क्योर भी किया, रोस्ट भी किया और ग्राउंडेड भी किया, बच्चों फ्लेवर्स, कॉफी का भी फ्लेवर्स होता है ना, वो ऐड किया, चिकोरीज ऐड की, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड किया, तो इस केस में इनकम टैक्स ने रूल बनाया है 60% एग्रीकल्चरल, 40% नॉन एग्रीकल्चर। बच्चों जैसे आप सीसीटीवी कॉफी पीने जाइएगा तो एक डायरेक्ट कॉफी बीन को क्रश करकर कॉफी आपको दिया गया, कोई फ्लेवर नहीं, कोई उसमें चिकोरीज एड नहीं है, सिंपल रोस्ट किया वो कॉफी का बीन से दाना है, तो वो पहला सिचुएशन हुआ। लेकिन जब ग्रोन भी किए, क्योर भी किए, रोस्ट भी और ग्राउंडेड भी, इसको कहते हैं फ्लेवरिंग करना, फ्लेवर्स ऐड करना, क्योंकि आजकल कल्चर है ना अलग अलग फ्लेवर्स में पीने का, तो इस तरह के लिए इनकम टैक्स ने कानून को बांट दिया है। अब समझिएगा रूल 7A, अच्छा याद हुआ आपको, रूल 8 भुनना, रोस्ट करना, फ्लेवर्स ऐड करना, अच्छा रूल 8, 7B और 7A। बच्चों अगर आप रबड़, अच्छा आप लोगों को पता होगा बच्चों, हम लोग बचपन में कहीं कोई बता दिया था कि पेंसिल के छिलके को छील कर दूध में रख दो रबड़ बन जाएगा, बाद में जब साइंस पढ़े तो पता चला ये पेड़ के लेटेक्स से निकलता है, गोंद से, फिर उसको रबड़ में कन्वर्ट किया जाता है ना। सुनिए इनकम टैक्स क्या बोलता है, जो लोग रबड़ की खेती करते हैं, खेती नहीं होती है ना बच्चों, पेड़ की, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब ग्रो भी तुम ही कर रहे हो, समझ रहे हो, और मैन्युफैक्चरिंग भी तुम ही कर रहे हो, तो ऐसे केस में 65% इनकम तुम्हारा क्या माना गया है और 35% नॉन एग्रीकल्चरल। तो क्या इसको लिखोगे, 2 मिनट, ठीक है, हर बात पे जवाब है, हाँ ठीक है समझ गए, हम भूल गए कि हम काम चोरू को पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो बुआ, ऐसा काम नहीं होगा
तो दोनों के लिए अलग हो गया सर। फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले तो अपना बिजनेस में चले गए। एग्जांपल ले लो, आपसे हमने चाय की पत्ती लिया और टी लीफ बनाया, तो आपका तो इनकम एग्रीकल्चरल हो गया और मेरा तो बिजनेस इनकम हो गया। हाँ, मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो बिजनेस अलग है। देखिएगा, बार बार नोटिस कीजिएगा, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों साथ साथ है। हमने ये कहा ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। डन रूल, फिर से सुनो, स्पेशल रूल है किसके लिए, तो कॉफी के लिए, टी के लिए और रबर के लिए। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल इनकम के लिए स्पेशल रूल बनाया स्पेशल सिचुएशन में। अच्छा, सिचुएशन भी स्पेशल, सोच के देखो, ग्रोइंग भी वही बंदा कर रहा है, मतलब खेती भी वही करवा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी वही कर रहा है, उसके लिए है ये कान। अगर अलग अलग होता, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरा रबड़ का बिजनेस है, एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब हम रबड़ बनाते हैं, चाहे टायर बनाते हो या पेंसिल का रबड़ बनाते हो, और आप किसान हो, आपसे हम परचेस करके बनाते हैं, तो मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है फिर खेती से, तो आपका इनकम एग्रीकल्चरल हो गया और मेरा बिजनेस। सिंपल, MRF टायर्स टोटली बिजनेस, क्योंकि वो रबड़ ग्रो करने का कोई काम नहीं करती, कोई दिक्कत चल रहा है ना ये? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, याद कीजिए, अभी स्टार्ट में एक वीडियो पे पॉज किए थे एक पॉइंट पर, क्या क्या एग्रीकल्चरल होगा और क्या क्या एग्रीकल्चरल नहीं होगा, अब थोड़ा बेहतर समझ पाओगे, तो चले उस पॉइंट पर आइए। देखिए, अब ये एग्जाम्पल हम उस समय रोक दिए थे धीरे धीरे। क्या बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सभी लोगों को क्लियर है? चले आगे आइए, पहला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से बउआ, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट। कमर्शियल प्रोडक्ट सर, जैसे जूट। बच्चों, जूट कमर्शियल प्रोडक्ट है ना? आप जानते होंगे कि पहले वेस्ट बंगाल में जूट की बहुत खेती होती थी। अच्छा, इसका एक लॉजिक था बच्चों, पहले बोरा भी बनता था ना, आजकल ना कल्चर आ गया है प्लास्टिक का बोरे में आलू प्याज चलाता है, ये पहले जूट, जूट और कॉटन, कॉटन तो खैर आज भी होता है, तो कपड़े कहां से बनेंगे, तो ये कमर्शियल प्रोडक्ट है बच्चों, इसके खेती को कहां रखा गया है, एग्रीकल्चर। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसमें टी नहीं है, कॉफी नहीं है, रबड़ है, इस तीनों के लिए विषय अलग रूल था ना, इसलिए उसको अलग आपको बता दिए। डन, तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट कहां रखा गया है। अच्छा, कमर्शियल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है बच्चों, जैसे जूट है, कॉटन है, उसके बाद बच्चों आपका क्या बोलते हैं, अभी टी है, रबड़ है, कॉफी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि टी, रबड़, कॉफी को गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी में रख दिया है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, सुनिए बेटा, समझ रही हो, कुछ से कुछ अमन क्लियर है, निखिल क्लियर, शशांक क्लियर है, मिंटू, सभी लोगों को चले, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना बच्चों, प्लांट सोल्ड इन पॉट, लाए हो कभी खरीद कर गमला वाला पेड़ पौधा, चाहे वो फल का हो, फूल का हो या कोई क्रीपर्स हो, सब क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। देखिए ब्रैकेट में कुछ बताया भी गया है, प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, मतलब उस पेड़ को उगाने के लिए बेसिक ऑपरेशन हुआ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताएं बच्चों, आप गए जंगल से लकड़ी काट कर ले आए, इनकम टैक्स कहता है कि जब उसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई है वो एग्रीकल्चरल नहीं है। एग्जांपल समझना, हम जंगल गए और उस जंगल में से बहुत सारा हमें अमरूद मिला, गुआवा, वो तोड़कर ले आए बेचने के लिए, क्या वो एग्रीकल्चरल है? इनकम टैक्स कहता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम तो ह्यूमन परफॉर्मेंस किए ही नहीं। लेकिन अगर वो पेड़ हम लगाते, उसका खेती करते, तो इनकम टैक्स उसको क्या मानता है, एग्रीकल्चर। अच्छा, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, सुनो, आजकल कुछ सालों से प्लाईवुड का बिजनेस बहुत प्रचलन में आ गया है, प्लाईवुड, प्लाई जो बिकता है। बच्चों, अब होता क्या है कि कुछ बड़े बड़े किसान हेक्टेयर ऑफ जमीन में पेड़ लगा रहे हैं कि 10 साल 20 साल में जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा हम इसे बेच देंगे। सुनना, पेड़ लगाया,
ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म किया, अपने आप नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों जब तुम जंगल से पेड़ काट कर ले आते हो जिस पर तुमने थोड़ा भी मेहनत नहीं किया, क्या वो ह्यूमन परफॉर्मेंस है? उस पर नहीं है, उसको इनकम टैक्स एग्रीकल्चर का दर्जा नहीं देता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए वहां वो लाइन था, बेसिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, मतलब उसको तुमने मेहनत से उगाया है। अब हम जंगल गए, वहां से पेड़ उखाड़ उखाड़ कर ले आए, छोटा छोटा प्लांट, और तुमको बेचे, वो एग्रीकल्चर नहीं है क्योंकि उस पर हमने बेसिक ऑपरेशन नहीं किया। अब एग्जाम्पल सुनो बच्चों, अमेरिका वगैरह में नीम के पेड़ को स्पेशली लगाया जाता है और उसका दतमन बिकता है बच्चों मॉल में, हाँ, पैक कर कर। और हमारे यहां क्या होता है कि जंगल से पेड़ से काट काट कर लाकर जो दतमन होता है उसको बेच दिया जाता है। क्या वहां ह्यूमन परफॉर्मेंस है? क्या वो एग्रीकल्चर होगा? नहीं। लेकिन वहां अमेरिका में उसको एग्रीकल्चर मानेंगे, क्यों? क्योंकि बाजाफ्ता उस पर काम किया गया है। डन, आगे चले, चलो क्लियर हो रहा है ना? आइए नेक्स्ट, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शीड्स। बच्चों अच्छे नस्ल के शीट्स बिकते हैं, आप देखते होंगे पेस्टिसाइड्स के दुकान में बाजाफ्ता बिकता है। तो बच्चों वहां कहां से आया? कोई तो प्रोसेसिंग कर रहा है ना, कोई तो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसका जो इनकम है वो कैसा इनकम है? एग्रीकल्चरल इनकम। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज grown on denuded parts of a forest। मतलब बच्चों अगर तुम जंगल से काट कर ले आए, उसको बेच दिए, तो ये एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन अगर तुम खाली जमीन पर प्लांटिंग करते हो, पेड़ लगाते हो, फिर वो बड़ा होता है, उसे तुम बेचते हो, वो क्या है? एग्रीकल्चर। मतलब क्या समझे? उस पर मेहनत किया गया हो, अगर नेचुरल तरीके से हो जाए तो उसको एग्रीकल्चर का दर्जा नहीं दिया गया है ना। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बच्चों, क्योंकि इससे भी आजकल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग बेम्बू। बच्चों बांस की जो खेती होती है ना, उसमें बहुत मेहनत नहीं होता, आप लगा देते हैं, वो अपने आप फैलते जाता है, और जब बड़ा हो जाता है आप उसको बेच देते हैं काट कर, ना दवा डालना होता है, ना पानी डालने का टेंशन, ना कोई प्रॉब्लम है ना। इनकम टैक्स के नजर में आया यार, जैसे जैसे बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है कल्चर, बंबू का बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, अच्छा कंस्ट्रक्शन में भी बहुत इस्तेमाल है, तो धीरे धीरे इनकम टैक्स को लगा कि यार ये भी इनकम का बड़ा सोर्स है, इन सबको कहां रख दिया गया? एग्रीकल्चर में। दूसरा देखिएगा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग समझते हैं बच्चों, चरना, हम कहते हैं ना कि गाय चर रही है, भैंस चर रही है, तो अगर आप अपना जमीन प्रोफेशनल्स लोगों को देते हैं, अच्छा प्रोफेशनल का मतलब समझिए किस सेंस में हम कह रहे हैं, जो लोग कैटल का बिजनेस करते हैं। बच्चों हमारे यहाँ ऐसा सीन है कि लोग 2 गाय 4 10 15 रखते हैं, लेकिन देखिएगा बच्चों कहीं कहीं लार्ज स्केल पर फार्मिंग होती है, 200-300 गाय रखते हैं लोग, ओके। अब उनको चराने के लिए जगह चाहिए, मान लो आपके पास जमीन है, वहां बहुत सारा घास है, आपने रेंट पर दे दिया। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो फार्मिंग होता है बड़े हेक्टेयर पर। अच्छा एक बात आपको पता है बच्चों, जानवर जब बंधा रहता है ना तो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में रहता है, गाय हो बैल हो भैंस हो, जब वो बंधे रहते हैं ना तो बड़ा स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन आप उनको फ्री कर दो, फार्म में अपने घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पानी का अलग अलग जगह व्यवस्था है, वो चर रही है, रिलैक्स फ्री करती है, समझिए। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अब तो अपने इंडिया में भी धीरे धीरे गुजरात में ये कल्चर डेवलप्ड हो रहा है, फ्री फार्मिंग, मतलब बड़े से एरिया को फेंसिंग कर दिया गया, जानवर को फ्री छोड़ दिया जाता है कैटल्स को ग्रेजिंग करने के लिए। अब इनकम टैक्स को ये दिखा कि यार हर बार लोग इतना बड़ा जमीन अपना तो नहीं परचेस करते, रेंट पर ले लेते हैं किसी से, तो जिसको रेंट दे रहे हैं उसे पकड़ लो, क्या बोलकर कि तुम्हारा इनकम क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। कोई दिक्कत? खैर ये भी बहुत प्रचलन में नहीं आया है, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, सबसे इंटरेस्टिंग देखो क्या कह रहा है, सॉरी नंबरिंग गलत हो गया बच्चों, 5 अच्छा नहीं 5 4 6 ठीक ठीक है नहीं 4 दो बार हो गया,
अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ, समझ गए होगे। क्या बोलता है बच्चों, एनी रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब बच्चों, अगर तुम किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और तुम्हारी फर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो तुम्हारा रेमुनरेशन भी क्या हो गया, एग्रीकल्चरल। रेमुनरेशन का मतलब सैलरी, कमीशन, बोनस, ये भी क्या मान लिया गया। सोच रहे हो कितना फायदा है, फर्म का इनकम भी एग्रीकल्चर और तुम्हारा इनकम भी, और दोनों का इनकम एग्जेम्प्ट। लेकिन सवाल है सर, अब पूरा दुनिया एग्रीकल्चर में ही नहीं ना जा सकता है, एक लिमिट है ना किसी भी इंडस्ट्री का। फिर देखिए नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म, जो आपके कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको भी क्या मान लिया गया है, एग्रीकल्चर। तो बताइए ये कुछ सर्टेन पॉइंट से क्लियर हुआ। लीजिए एक बार क्विक रिकैप कीजिए तो जल्दी जल्दी, एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, कमर्शियल प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल, जो आप प्लांट सोल्ड करते हैं पॉट वगैरह में, गमला जिसको कहते हैं, वो भी एग्रीकल्चर। शीट्स बेचकर पैसा आया, वो भी एग्रीकल्चर। जल्दी से बच्चों एक बार रीड कर लीजिए। हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्लांट को, किसी ट्रीज को, किसी पेड़ को जंगल से डिटैच किया गया है, मतलब बिना मेहनत के, वो एग्रीकल्चर नहीं। लेकिन अगर खाली जमीन पर आपने खेती किया, पेड़ लगाया, वो बड़ा हुआ, फिर आपने उसको बेचा, वो सब क्या है, एग्रीकल्चर। चलिए एक बार देख लीजिए फिर आगे चलेंगे। कोई प्रॉब्लम, एक बार रीड कर लीजिएगा तब आगे चलेंगे। तानिया कोई प्रॉब्लम है, आस्था, निकी, रिमी, इशिका बोलो, आदित्य, विवेक, हाँ ये तो आपको सिचुएशन देखना होगा, क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिएगा। चले आगे आइए। चलो अमन क्लियर हो रहा है, विवेक, नीतीश, अभिषेक आ जाओ। नॉन एग्रीकल्चरल, देखिए बच्चों मतलब सिलेक्टेड पॉइंट है बट तुरंत क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टर रेमुनरेशन एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब बच्चों हमने आपको कहा कि फर्म भी बिजनेस कर सकती है एग्रीकल्चर का, और कंपनी भी, कंपनी नहीं करती है बच्चों, टाटा का एग्रीकल्चर नहीं है, पतंजलि इन्वॉल्व नहीं है, हिमालय इन्वॉल्व नहीं है, है बच्चों ऐसी बहुत कंपनी है। तो देखो रूल क्या बोलता है, जो डायरेक्टर होते हैं ना, अच्छा आपको बहुत छोटा फॉन्ट दिख रहा है क्या, ठीक हम यही कर लेते हैं अब, ठीक है। अच्छा देखिए डायरेक्टर रेमुनरेशन, बच्चों जब डायरेक्टर रेमुनरेशन रिसीव करेंगे और शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करेंगे बच्चों उस कंपनी से जो कंपनी एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व है। जैसे बच्चों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो, तुम ना टाटा टी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, तुमको टाटा टी ने डिविडेंड दिया, जबकि टाटा टी किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। लेकिन लॉ कहता है कि जो शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करेंगे वो एग्रीकल्चरल नहीं होगा, एग्रीकल्चरल होगा नहीं, एग्रीकल्चरल नहीं होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलो। अच्छा बच्चों अगर डायरेक्टर ने पैसा रिसीव किया एग्रीकल्चरल होगा, बोलो नो। अच्छा दूसरा देखो, इनकम फ्रॉम, एक मिनट, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, इन सबको एग्रीकल्चर के कैटेगरी से क्या रख दिया गया है, बाहर रख दिया गया है। अच्छा इससे भी इंटरेस्टिंग क्या है, सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई फ्रॉम एनी बिजनेस, देखिएगा एनी बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम। सुनिए बच्चों हम लोग वैसे कंपनी में काम करते हैं जो एग्रीकल्चरल काम करती है,
कोई भी कंपनी ले लो जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, हमें सैलरी मिला, तो क्या हम इनकम टैक्स को ये कहेंगे कि हमारी कंपनी एग्रीकल्चरल का काम करती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो हम भी अपने सैलरी पे टैक्स नहीं देंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर दो, वो एग्रीकल्चरल है? क्या ये है? नहीं। लॉ साफ साफ कहता है कि भूल जाओ, ये क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एम्प्लॉय को इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या माना गया है? नॉन एग्रीकल्चरल। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? हाँ, उस पे भी कैटेगरी है, बात करेंगे। कैटेगरी है कौन इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट है ना उस पर इन्वॉल्व। जैसे एग्जांपल, हम किसान हैं, हम सुधा को दूध बेचते हैं, फिर सुधा उसको प्रोसेसिंग करती है, दोनों में डिफरेंस ऑब्जर्व किया आपने? सुधा बिजनेस कर रही है, किसान बिजनेस कर रही है ना, डिफरेंस उस कैटेगरी में। तो ये भी आपको देखना है एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं ना है, ये इस एंगल पे बोले। ओके चले आगे, चले और आगे चले। अब देखिए, इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लडिंग द लैंड। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा कि नमक का तरीका है, समुद्र के पानी को स्टॉक किया जाता है और वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो जो नीचे बच जाता है वो नमक होता है। देखो, कायदे से तो लोग सोच सकते थे कि सर ये भी तो एक तरह का खेती है, बस फर्क है कि नमक का खेती है। इवन सो हिंदी में इसको बोलते भी है बच्चों, क्या होता है भाई, नमक का खेती करता है। इनकम टैक्स बोलती नहीं, नमक का जो आप खेती करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के कैटेगरी से बाहर रखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक था, टाटा सॉल्ट करोड़ों रुपए टैक्स बचा लेती है, क्या बोलकर कि हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर। अच्छा सिर्फ टाटा ही थोड़े हैं बच्चों, बहुत कंपनी है, अन्नपूर्णा है, टाटा है, और दो शक्ति है, आशीर्वाद है, ये सब बच जाते हैं ना बच्चों। आशीर्वाद जो है ITC का पार्ट है, तो उनका भी पैसा बच जाता है। तो इनकम टैक्स को समझ में आया कि नाम का नमक है, वैल्यूलेस चीज है, लेकिन इस पे करोड़ों करोड़ों का खेला चल रहा है, इसलिए इसको क्या करो, एग्रीकल्चर से बाहर कर दो। चले आगे। अच्छा, उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस। देखिए ब्रैकेट में हमने कुछ लिख दिया है, विदाउट ह्यूमन एफर्ट, सॉरी इफेक्ट लिखा गया, एफर्ट ORT। हाँ चलिए, विदाउट ह्यूमन एफर्ट। बच्चों अगर ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होता तो क्या हो जाता, एग्रीकल्चरल, और ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है इसलिए नॉन एग्रीकल्चरल। अब ये बताइए कि सर आप इतना टॉपिक क्यों बताएं? बच्चों ताकि जो डेफिनेशन था वो थोड़ा आसान हो जाए, और एग्जाम में जब थ्योरी आए लिखने के लिए, ये ऑप्शनल तो होता नहीं बच्चों, जो कंपलसरी है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आजकल इसमें भी नोट्स आते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स, तो जब आपको कंटेंट पता होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चों कोई दिक्कत?